नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। उत्तर प्रदेश में अयोध्या एक बार फिर राजनीतिक केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। सभी राजनीतिक दल अयोध्या को एक राजनीतिक लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। AIMIM बसपा के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी अयोध्या पहुंचे हैं। तो क्या जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे अयोध्या एक बार फिर केंद्र बनेगा और बिना राम के किसी भी दल का उद्धार नहीं होने वाला? दरअसल बाबरी मस्जिद मामले में फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के साथ राजनीतिक दलों ने संकेत दिए हैं कि लड़ाई इस मुद्दे की इर्द गिर्द ही घूमेगी और अयोध्या को अपने अभियान के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने अपने दलित ब्राह्मण फार्मूले का उपयोग करके 2007 की अपनी सफलता को दोहराने की उम्मीद में 23 जुलाई को सबसे पहले अयोध्या से अपना ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया था। 23 जुलाई को राज्यसभा सांसद और बसपा सुप्रीमो मायावती के करीबी सतीश चंद्र मिश्र ने अयोध्या में राम मंदिर पर पूजा अर्चना कर ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की थी। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी अयोध्या का दौरा किया। अयोध्या विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वर्तमान में भाजपा के वेद प्रकाश गुप्ता कर रहे हैं। 5 अगस्त 2020 को एक भव्य मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भूमि पूजन के लिए पहुंचे थे, वहीं योगी आदित्यनाथ तो आते जाते ही रहते हैं। भाजपा ने 5 सितंबर को अयोध्या से अपना बुद्धिजीवियों की बैठक शुरू किया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने वहां एक सभा को संबोधित किया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने लोगों को यह याद दिलाने की कोशिश की कि 1966 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद के आसपास जमा हुए संतों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जबकि 1990 में समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में भगवान राम के भक्तों पर गोलीबारी का आदेश दिया था। सपा प्रवक्ता जूही सिंह कहती हैं कि 2022 में सपा ने अयोध्या विधानसभा सीट जीती। जब सपा सत्ता में थी, विकास का सबसे बड़ा पैकेज अयोध्या को दिया गया था। आगे वह 16 कोसी परिक्रमा हो, रामायण के अनुसार वृक्षारोपण हो, संग्रहालय की स्थापना हो या फिर सौंदर्यीकरण, ये सब कुछ सपा ने किया। हालांकि कांग्रेस अयोध्या के अभियानों को लेकर लॉन्च स्थल के रूप में उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों का समर्थन करती नहीं दिख रही। यूपी कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा है कि कांग्रेस के लिए अयोध्या, मथुरा, काशी सब एक जैसे है। पार्टी ने विधानसभा से पहले उत्तर प्रदेश के गांवों और कस्बों के माध्यम से 12,000 किलोमीटर लंबी यात्रा निकालने की योजना बनाई है। अंशु अवस्थी ने कहा है कि कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे निकालने का निर्णय प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हुई बैठक में लिया गया है। अरविंद केजरीवाल हिंदुत्व की राजनीति को लेकर भाजपा पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने अयोध्या का दौरा कर ये साबित कर दिया है कि इस रेस में वो भी किसी से कम नहीं। आने वाले दिनों में अब तो ऐसा ही लग रहा है जैसे उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों के लिए अयोध्या लॉन्च पैड बनने वाला है। इसी के साथ ये सवाल भी पैदा हो गया है कि क्या जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे अयोध्या एक बार फिर केंद्र बनेगा और बिना राम के किसी भी दल का उद्धार नहीं होने वाला। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।